वर्ल्ड कप के सेमीफिनाले में न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में एंट्री ले ली है। आपको बता दें कि भारत ने चौथी बार इस टूर्नामेंट के फिनाले में प्रवेश किया है। इस मैच में भारत ने जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 397 रन बनाए, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की पूरी टीम 48 ओवरों में 227 रन ही बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 57 रन देकर 7 विकेट लिए। शमी के इस शानदार प्रदर्शन की हर तरफ तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर शमी लगातार ट्रेंड में बने हुए हैं। वहीं अब शमी के इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस भी पीछे नहीं रही। दिल्ली पुलिस ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट किया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मैच के बाद दिल्ली पुलिस ने लिखा, मुंबई पुलिस, हमें उम्मीद है कि आप लोग मोहम्मद शमी के जरिए आज किए गए हमले को लेकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। मुंबई पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस के पोस्ट को तुरंत जवाब दिया और लिखा, दिल्ली पुलिस, आप अनगिनत लोगों के दिलों को चुराने के लिए धाराएं लगाना भूल गए हैं और साथ ही आपने सह आरोपियों की लिस्ट भी नहीं दी है। यहाँ मुंबई पुलिस का इशारा मैच के हीरो विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल की तरफ था, जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस ने चुटकी ली थी। देखते ही देखते ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको बता दें कि सेमीफिनाले मुकाबले में जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने विशाल लक्ष्य रखा तो कईयों का ये मानना था कि टीम इंडिया आसानी से मैच जीत जाएगी। इसके बाद जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो उसकी शुरुआत खराब रही और 39 रन पर 2 विकेट आउट हो गए। लेकिन इसके बाद मिशेल और कप्तान केन विलियमसन के बीच जब तीसरे विकेट के लिए तेज तर्रार 181 रन जोड़े तो मैच फंसता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंद शमी को सौंपी और आते ही उन्होंने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए एक लंबी साझेदारी को तोड़ा और केन विलियमसन का महत्वपूर्ण विकेट लेकर साझेदारी को तोड़ दिया। इस ओवर में शमी ने 2 विकेट लिए। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ गई। हालांकि फिलिप्स और मिशेल के बीच 5वें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी हुई जिसे बुमराह ने तोड़ा। बाद में शमी ने 3 और विकेट लिए और पूरी टीम 327 पर सिमट गई। शमी को इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच से भी सम्मानित किया गया।